जैसा कि आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही सब कुछ छूटता आ रहा है। सबसे पहले उसको जो माता पिता था वो छूट गया, इसके बाद नंद यशोदा मिला वो भी छूट गया, इसके बाद राधा मिली वो भी छूट गई, इसके बाद गोकुल मिला वो भी छूट गया, इसके बाद मथुरा मिला ये भी छूट गया। बस नहीं छूटा, अगर कुछ नहीं छूटा तो वो है उसका क्या, सकारात्मक विचार और चेहरे की मुस्कान। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो इस जन्माष्टमी के अवसर पे, जो कि आप सभी आप जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस जन्माष्टमी के अवसर पे अपन चार लर्निंग लेसन सीखने वाले हैं श्री कृष्ण के लाइफ से। जो भगवान श्री कृष्ण थे उसके लाइफ में ऐसा कौन सा चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करके चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे। ओके, तो जब हर इंसान के लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम आता है, जब भी आपको प्रॉब्लम आ जाए, पता चले कुछ नहीं पता चल रहा है, जिंदगी लग रहा है सब कुछ सा रुक सा गया है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ही किताब ओपन करनी है और उसको पढ़ना है, दैट इज़ योर गीता। आपको पता भी होगा, उस गीता को पढ़िएगा आप, उसमें जो चीज़ें लिखा हुआ है ना, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, जो ये क्या क्या क्रोनोलॉजी है इस दुनिया में, क्या क्या रहस्य है, सब कुछ पता चलेगा। तो सबसे पहला लेसन जो है, जो हम श्री कृष्ण के लाइफ से, भगवान श्री कृष्ण के लाइफ से सीखने वाले हैं, वो सबसे पहला जो है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ कर्मा, जो कि गीता के सेकेंड अध्याय में लिखा गया है, इम्पोर्टेंट ऑफ कर्मा। ये जो कर्मा का जो है इम्पोर्टेंट क्या है, कर्म की महत्व क्या है। ओके, तो देखिए, आप कभी भी है वो अपने कर्म पे फोकस कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ऐसा आपको बार बार सुनने को मिला होगा। डेफिनेटली आप जो है कैसे उस चीज़ों को वर्क करते हैं, उस चीज़ पे वर्क करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप कोई सा एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए, तो आपको ये नहीं सोचना है जो एग्जाम के प्रिपरेशन में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये नहीं सोचना है आपको। आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अपना सब कुछ झोंक दीजिए, आप इस वे में उसको प्रिपेयर कीजिए, इस वे में प्रैक्टिस कीजिए, इस वे में रिवीजन कीजिए, फिर तो अपने आप सिलेक्शन होगा यार। सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर हम प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं, प्रोसेस को डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका आउटपुट सुपर होने वाला है। तो जब हम प्रोसेस पे अच्छी तरह से वर्क कर ही रहे हैं, डे बाय डे प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो जो मेरा आने वाला रिजल्ट है वो डेफिनेटली सुपर आएगा। और वो देखने के बाद फिर सबको लगेगा, नहीं, इस बंदा ने मेहनत किया था, इस बंदा ने कर्म किया था। ओके, तो इसीलिए आप कर्म का फल का चिंता मत कीजिए, आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए, जो कि आपके हैंड में है, और आपके हैंड में है केवल यहाँ पे पढ़ना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, तो आप इसी पे फोकस कीजिए, बाकी इसका रिजल्ट क्या आएगा छोड़ दीजिए। अगर आप अच्छी तरह से प्रोसेस पे ध्यान देंगे, अच्छी तरह से वर्क करेंगे, डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा मिलने वाला है। ओके, ये था फर्स्ट लेसन श्री कृष्ण के लाइफ से। ओके, दूसरा लर्निंग लेसन जो है, दैट इज, इस दुनिया में जितना कुछ भी है, जितना जो कुछ भी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह है, कोई ऐसा चीज़ भगवान ने बनाया ही नहीं जिसके पीछे कोई ना कोई वजह ना हो। और हम लोग जितने भी लोग हैं, पता है अपन लोग सब जो है भगवान के क्या हैं, भक्त हैं। तो ये बताओ, जब भगवान के भक्त हैं तो भगवान क्यों चाहेगा जो अपने भक्त के साथ बुरा करना, क्यों चाहेगा आपके साथ बुरा हो, क्यों चाहेगा जो आपके साथ अन्याय हो, चाहेगा क्या? कभी नहीं चाहेगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रहा है ना, उस चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ रीजन है हर चीज़ के पीछे। अगर ये चीज़ देखना है आपको, तो जब आप गीता पढ़िएगा, नहीं तो आप अगर महाभारत देखे होंगे, तो महाभारत में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो एक चिड़िया जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास आता है और बोलता है, भगवान अभी जो है ये युद्ध होने वाला है और इसमें सारा कुछ इधर उधर हो जाएगा, तो मैं कहाँ रहूँगा, ये जो पूरे युद्ध होगी तो हर चीज़ बिखर जाएगा, मुझे मैं कहाँ सर्वाइव करूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं भी मारा जाऊँगा। तो बोला, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भगवान ने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारे लिए सब कुछ सोच रखा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दो, यहाँ सब कुछ हो जाएगा अपने आप। और फिर क्या हुआ ये सुन लीजिएगा, फिर जो हुआ, जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मांगा, अपना धनुष जो है वो मांगा, और अर्जुन से धनुष मांगा, तीर मांगा, तो उन्होंने सोचा, भगवान ये क्या कर रहे हो आप, उसको भी शौक लगा जो आखिर क्या करने जा रहे हैं, ये धनुष बाण क्यों चलाने जा रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ से जो बाण छोड़ा, वो एक हाथी थी, उसी युद्ध में हाथी के गले में जो है वो जो घंटी होती है वो लगी हुई थी, और वो घंटी पे ही निशाना लगाया। तो फिर अर्जुन बोलता है, ये सर क्या कर रहे हैं आप, आपको एक निशाना भी लगाने नहीं आता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो कुछ और ही जा रहे थे,
तो उन्होंने निशाना लगाया उस घंटी पे, घंटी उस हाथी के गर्दन से गिरा और नीचे जहाँ पे गिरा उसके नीचे भी जो है जो पक्षी थी वो उसके नीचे था और वो घंटी वहीं रखा रह गया और उसके अंदर में जो है वो कवच की तरह, मतलब उस पक्षी के लिए वो कवच का काम करने लगा। बाकी पूरा युद्ध हुआ, उस पक्षी को कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में जब युद्ध खत्म हो गया तब फिर भगवान श्री कृष्ण जब वापस लौट रहे थे तब उस घंटी को हटाया और फिर उस पक्षी से पूछा, मैंने बोला था ना ये जो भगवान है वो सब कुछ किसी न किसी रीजन के साथ बनाया है यहाँ पे, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। जब भी लाइफ में लगे जो कुछ नहीं पता चल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को उस ऊपर वाले के सारे छोड़ देना है। जो चीज़ें कुछ ना कुछ होगी, अगर आप जैसा कर्म किए रहोगे उसी हिसाब से आपको चीज़ें मिलेगा, इसलिए कोई वरी नहीं करना है। ओके, ये हो गया आपका दूसरा लेसन। तीसरा जो लेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर हर स्टूडेंट को, हर एक ह्यूमन बींग को इस पर काम करना चाहिए। स्पेशली मैं स्टूडेंट को इसीलिए फोकस कर रहा हूँ जो हमारे चैनल पे स्टूडेंट ही हैं। ओके, दैट इज योर माइंडफुलनेस। तीसरा जो लेसन है भगवान श्री कृष्ण के लाइफ से सीखने का, ये माइंडफुलनेस जिसको बोलते हो सचेतन होना। सचेतन होना मन, मुझे अभी आज के लिए अपने आप को सचेत करना है, मतलब सर मुझे कल के चिंता नहीं करना है, मुझे फ्यूचर का चिंता नहीं करना है, मुझे पास्ट का चिंता नहीं करना है, मुझे केवल आज पे वर्क करना है, मुझे आज को सचेत करना है जो आज मैं क्या एक्शन ले रहा हूं। क्योंकि तुम ये सोचो ना, तुम कल जो एक्शन लिए हो उसका रिजल्ट आज तुम जो हो उसके पीछे जो पिछला तुम्हारा एक्शन है वही है के वजह से तुम आज यहां तक पहुंचे हो। तो इसलिए तुम अपने पास्ट के बारे में तो सोचो ही मत। अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें आज के एक्शन पे काम करना पड़ेगा, आज के एक्शन को सही करना पड़ेगा, तब जाके आके आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए अपने आप को आज के प्रति सचेत कीजिए, जो मुझे आज क्या करना है वो डेली बाय डेली, मतलब आज मीन्स आज, फिर कल जो होगा वो कल देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज अच्छा करूंगा तो कल जाके ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। अगर मैं किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्जाम का अभी UPPCL जेई होने वाला है, 7 सितंबर से 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो बंदा थ्रू आउट द जर्नी अगर मेहनत किया होगा डे बाय डे डिसिप्लिन के साथ, उस पर वर्क किया होगा, रिवीजन करेगा, डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करेगा और आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट भी सुपर ही आने वाला है, इसमें 1% डॉट भी नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को आज के प्रति सचेत कीजिए। ओके, ये था तीसरा पॉइंट। और चौथा और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज योर अपने गुस्से को कंट्रोल करना। कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि देखिए जब भी चीजों आप जब भी गुस्से में आते हैं ना, जब भी आपके अंदर गुस्सा आता है तो फिर माइंड का जो है ना वो सब कुछ सेटिंग बिगड़ जाता है। जब भी आपके अंदर गुस्सा बेकाबू होता है तो सबसे पहले भ्रम पैदा हो जाता है आपके अंदर, और जब भ्रम पैदा होगा तो आपके अंदर का जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो पता है इसके बाद आप इंसान का विनाश होना ही निश्चित है। और इसी गुस्सा के कारण आप सुने होंगे या आपको पता होगा पूरा महाभारत हुआ था, इसी गुस्सा के कारण। अगर दुर्योधन को क्रोध नहीं आता तो फिर ये इतना कुछ होता ही नहीं, ना उसका विनाश होता, ना वो द्रौपदी का चीरहरण करता, कुछ होता ही नहीं, तो फिर इतनी जो महाभारत थी वो ये होता ही नहीं। तो ये एक छोटी सी गुस्सा है जिसके वजह से पूरी महाभारत हो गई। तो इसलिए कंट्रोल योर एंगर, आपके अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। जब भी आपको गुस्सा आए ना, कुछ नहीं करना, आराम से अपने आप को शांत करना है, पानी पीना है और बैठ जाना है और लंबी लंबी सांसें लेना और कुछ नहीं करना है। थोड़ा देर के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा में आप कुछ भी चीज नहीं कर पाओगे। गुस्सा में किस तरह का गुस्सा, मान लो आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आप बोल दिए अपने फैमिली में, सबको बैठा हुआ प्रिपरेशन करने जा रहे हो, बोल रहे हो जो सर मैं UPPCL का प्रिपरेशन करूंगा, मैं SSC JEE का प्रिपरेशन करना। इधर से कोई मामा बोले आपका, अच्छा UPPCL का प्रिपरेशन करेगा तुम, तुमसे हो जाएगा क्या? अब तुम गुस्सा में आ गए, ये तुम मुझे बिलीव ही नहीं कर रहा, इसको हम दिखाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, आपको बोलने दीजिए, अभी उसको बोलने की बारी है। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो यही जो तुम्हारे मामा है, यही जो तुम्हारे चाचा है ना, ये तुम्हें बोलेंगे मैं जानता था ये बंदा कुछ कर लेगा लाइफ में। तो इसलिए अपने आप को शांत, कूल और काम रख के चीजों पे वर्क करना है। डे बाय डे वर्क करते रहेंगे, अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे, चीजें कंप्लीट हो जाएगा। तो यही चार लेसन था भगवान श्री कृष्ण के लाइफ से सीखने का। तो इस जन्माष्टमी प्रण लीजिए आप लोग, जो ये चार लेसन सीख के अपन डे बाय डे ट्राई करेंगे इंप्रूव लाइफ में इंप्लीमेंट करने का, देखते हैं कैसे नहीं इंप्रूव करते।
ओके, तो ये था 4-4 लेसन जिसको अपन ट्राई करेंगे इंप्लीमेंट करने का। ओके, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।